इंस्टेंट रिव्यू या कॉमिक कॉन में तो मार्वल ने धमाल ही मचा दिया, लिटरली फेज 4 फेज 5 फेज 6 मल्टीवर्स सागा ही पूरा बता दिया कि कब खत्म होने वाला है। 10 साल तक इन्फिनिटी सागा चला था, मल्टीवर्स सागा तो यार मेरे हिसाब से बहुत जल्दी खत्म हो गया। 2025-26 में इसके लास्ट मूवी, उसके बाद मल्टीवर्स सागा खत्म। अब देखते हैं कि कैसी निकलती है मूवीज और मैं किस मूवी के लिए इंटरेस्ट हूँ। मैं पूरा आपको एक सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, तो यार वीडियो में प्लीज बने रहना। फेज 4 की बात करें तो फेज 4 में सबसे पहले आता है हमारा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। यार इसके लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना मैं, क्योंकि चैडविक बोसमैन को जो ट्रिब्यूट चाहिए था वो हमें इसमें दिखाया देगा। चैडविक बोसमैन इसमें लीड रोल में होने वाले थे पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी, तो अब उसका जो एक ट्रिब्यूट है वो इस मूवी में दिखाया जाएगा। और देखते हैं मूवी कैसी निकलती है, देखो जैसी भी निकलेगी, पर टीज़र ट्रेलर देख के तो लिटरली यार गूज बम्स आ गए थे। आप वो भी मेरा एक टीज़र ट्रेलर का रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। ये आने वाली है 11th November 2022 को, तो यार ज़्यादा टाइम का वेट नहीं करना पड़ेगा, 2-3 महीने में आ जाएगी यार, मज़ा आ जाएगा देखने में। उसके बाद फेज 4 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फेज 4 नहीं, सीधा फेज 5 स्टार्ट होगा। फेज 5 में सबसे पहले मूवी आती है आंटमैन एंड दी वॉस्प क्वांटम मीनिया। ये आने वाली है 17th February 2023। इसका मतलब कि बहुत देर वेट करना पड़ेगा मार्वल की। इस साल एक लास्ट मूवी आने वाली है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, फिर सीधा 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। आंटमैन एंड दी वॉस्प के लिए तो यार हमेशा से ही हम तैयार हैं, क्योंकि आंटमैन तो मुझे दोनों मूवी अच्छी लगी थी यार। किसी किसी को पहली मूवी पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी, मुझे दोनों मूवीज़ अच्छी लगी थी यार। एंटरटेनमेंट भी होता है साथ में यार, कॉमेडी एलिमेंट भी है साथ में यार। जो एक क्वांटम मीनिया का जो इसमें मेरे हिसाब से दिखाया जाएगा, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जाए, तो देखते हैं यार क्या होता है इस मूवी में भी, वो तो आगे जाके पता चलेगा। देखो दूसरी मूवी की बात करें फेज 5 की, वो आने वाली है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द लास्ट मूवी ऑफ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। ये रिलीज हो रही है 5th May 2023 को। देखो 3rd May को मेरा बर्थडे आता है, 5th May को रिलीज हो रहा है, मैं तो देखने जाऊंगा ही जाऊंगा इसको। देखो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जो एक इमोशन है ना, वो तो यार है ही है यार। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के तो हमेशा से ही एक इमोशन पैदा हो रखा है दिल में। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा था, और मैं यार स्पेशली मैं जाता हूँ सिर्फ ग्रूट के लिए। आई एम ग्रूट यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। देखो जब छोटे से बड़े तक मुझे उसका बहुत ही अच्छा जर्नी लगी, और यार मैं उसी को ज़्यादातर देखने जाता हूँ उसमें। उसके बाद बात करें ब्लेड आने वाली है 3rd November 2023 को। देखो उसके बारे में मुझे देखो ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा रिव्यू भी नहीं दे पाऊँगा इसके। आई थिंक जो स्टार कास्ट भी जो है वो अभी तक रिवील नहीं करी गई है। तो देखो मार्वल की मूवी है तो अच्छी तो होगी, और इसको कह रहे कि आगे फेस 6 में भी ले जाने वाले हैं ब्लेड का जो भी लीड एक्टर होंगे, तो देखते हैं यार ये भी मूवी कैसी निकलती है। उसके बाद आने वाली है हमारी कैप्टन अमेरिका की मूवी, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब ये आने वाली है 3rd May 2024, मेरे बर्थडे के दिन, 2 साल बाद मेरे बर्थडे के दिन ही आने वाली है ये मूवी। और यार इतना कह सकता हूँ कैप्टन अमेरिका की मूवी यार आउटस्टैंडिंग तो होगी, पर एक चीज़ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिस इवांस जैसा कैप्टन अमेरिका कोई बन नहीं सकता, प्लस उसकी याद तो आएगी ही आएगी पूरी मूवी में। अब यार देखो जो कैप्टन अमेरिका वर्सेस विंटर सोल्जर थी ना, मुझे नहीं अच्छी लगी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखते हैं यार ये कैसी लगती है, ये कैसा अच्छा। ओ कैप्टन अमेरिका में से विंटर सोल्जर कह रहा हूँ, फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की बात करता सॉरी। तो यार वो मुझे ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी थी। अब देखते हैं यार इसमें कैप्टन अमेरिका था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वो वैसी एक्टिंग कर पाते हैं जो क्रिस इवांस कर सकते थे, तो देखते हैं यार इस मूवी का भी क्या होता है। अभी तो 2 साल पड़े, इसका तो बहुत वेट करना पड़ेगा। फिर आने वाली है थंडरबोल्ट। ये थंडरबोल्ट के भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, यहाँ तक कि इसकी आई थिंक सो कास्ट रिवील नहीं हुई है, पर इसमें कह रहे मल्टीपल कास्ट होंगी। तो 26th August 2024 को आने वाली है, मतलब कि इसके लिए भी 2 साल का वेट करना पड़ेगा। पर आई थिंक सो यार ये हो सकता है मार्वल की मानो तो बेस्ट मूवी निकले, क्योंकि इसमें मल्टी कास्ट होंगी और वो भी बड़े बड़े एक्ट्रेस के लेने वाले, तो देखते हैं यार कौन कौन होते हैं। उसके बाद फेज 6 स्टार्ट हो जाएगा, फेज 5 यहाँ ख़त्म हो गया। फेज 6 की बात करें सबसे पहली मूवी आती है फैंटास्टिक 4। यार फैंटास्टिक 4 तो लिटरली इतने सालों से इंतज़ार है ना मुझे इसका, कि मार्वल जब फैंटास्टिक 4 इस बार जो बनाएगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये आने वाली है 8th November 2024 को, मतलब लिटरली 2-2.5 साल बाद आएगी। पर यार इसके लिए मैं बहुत भाई पता क्या चक्कर है, जो फैंटास्टिक 4 आई थी जो पहले आई थी ना वो फ्लॉप हो गई थी, बहुत ही गंदी तरह पीटी थी। तो देखते हैं मार्वल इस बार क्या जादू करता है, क्या हमें फैंटास्टिक 4 अच्छी लगती है कि नहीं लगती, वो तो चलो आगे पता चलेगा। उसके बाद आने वाली है हम सबकी यार एवेंजर्स, मतलब कि यार फेज 1 फेज 2 फेज 3। फेज 1 में एवेंजर्स,
फेज टू में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, फेज थ्री में दो दो एवेंजर्स। तो आई थिंक सो जो हाइप थी ना तीनों फेसेस की वो बनी रही थी, क्योंकि जब तीनों एक साथ कंबाइन होते थे फिर सोलो मूवी, फिर कंबाइन, फिर सोलो मूवी, फिर कंबाइन, ऐसे ना अच्छा लगता था यार। अब इन्होंने क्या करा ना यार, फेज फोर में आई थिंक सो एक एवेंजर्स डाल देते, क्योंकि फेज सिक्स में, फेज फाइव में सॉरी एक एवेंजर्स डाल देते, फेज सिक्स में दो दो एवेंजर्स के मूवी है। तो ये मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा, क्योंकि देखो जब तक हमें एक साथ मिलते हुए नहीं देखेंगे ना एक्टर्स या सुपरमैन सुपर हीरोज, तो यार हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो देखते हैं यार फेज सिक्स कैसा सा होता है। और देखो सबसे पहले आने वाले एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। तो यार देखते हैं कैसे निकलते हैं। 2 मई 2025 को रिलीज़ होने वाली है, उसके लगभग 7 महीने बाद ही रिलीज़ होगी एवेंजर्स सीक्रेट फोर्स, मतलब कि 7 नवंबर 2025 को। तो देखो 150 तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, मुझे तो नहीं लगता 7 महीने में रिलीज़ करेंगे, एक साल का टाइम तो लेंगे। पर दोनों एवेंजर्स एक साथ आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली एक बार एवेंजर्स फेज फाइव में भी डाल देते तो ना लोगों का एक कनेक्ट बना रहता है, लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक साथ सारे हीरोज़ आ चुके हैं, अब एक इंडिविजुअल जो सोलो मूवीज़ आएंगी वो देखने में लोगों को मज़ा आता है। एक चीज़ मुझे लगी है डेडपूल का नहीं हुआ इसमें, डेडपूल की कोई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं करके, बीच में ना दो डेट्स छोड़ी हुई हैं, एक्समैन और डेडपूल की मूवीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी, दो जो डेट्स छोड़ी है ना आई थिंक सो उसमें हो सकता है कि एक्समैन और डेडपूल हो। अभी ये बताना ना चाहते हो दिसंबर में भी कोई कॉमिक कॉन होना है तो उसमें बता दें। अब मैं बात करता हूँ वेब सीरीज़ की, यार वेब सीरीज़ की बात करो ना, मुझे सिर्फ 3-4 वेब सीरीज़ हैं जो मुझे, मैं खुद पर्सनली मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। सबसे पहली वेब सीरीज़ की बात करूँ डेयर डेविल, यार इतना ज़्यादा इंतज़ार है ना मुझे यार, 18 एपिसोड्स होंगे इस वेब सीरीज़ में, मतलब क्या हम तो जाते हैं इन्फानाइट एपिसोड्स, हाँ मतलब मज़ा आ जाए देखने में। डेयर डेविल इसका नाम है, डेयर डेविल बोर्न अगेन इसका नाम है, स्प्रिंग 2024 में आएगी। तो यार देखते हैं कैसी निकलती है। देखो डेयर डेविल है, मज़ा तो आ ही जाएगा, शी हल्क में डेयर डेविल का कैमियो होने वाला, तो यार वो देखने के लिए मुझे मज़ा आ जाएगा। शी हल्क मैं सिर्फ लिटरली डेयर डेविल के लिए देखने वाला हूँ। और भी यार है वेब सीरीज़ में आपको बताना चाहूँगा, एक लोकी सीज़न टू, यार लोकी सीज़न टू को कैसे भूल सकते हैं, समर 2023 को आने वाला सीज़न मान जा खत्म हुआ था ना, लिटरली ऐसा सस्पेंस छोड़ के गया था कि यार ऐसा होता कि कब आएगी लोकी सीज़न थ्री, लोकी सीज़न टू कब आएगा, सीज़न टू भी ख़त्म नहीं हो रहा है कह रहे, सीज़न थ्री भी आएगा इसका, तो यार एक्साइटमेंट तो बढ़ ही जाएगी। अब देखते हैं यार कब तक सीज़न टू अच्छा कर पाती है कि नहीं कर पाती है, कैसे रिव्यूज आते हैं, चलिए तो बाद में पता चलेगा। और आपका क्या टेक है, आपको कौन सी मूवी का इंतजार है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।